नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी अपने मिशन कश्मीर में जोर शोर से नंबर गेम में जुटी हुई है। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार वही बनाएगी। ये दावा कईयों को चौंका भी रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में बीजेपी 28 सीटों पर तो लड़ ही नहीं रही है। बीजेपी केवल 62 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है। हालांकि जम्मू की सभी 43 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर घाटी की 47 में से केवल 19 पर उसने उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी घाटी की 28 सीटों पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो क्या इन सीटों पर बीजेपी छोटे दलों और निर्दलियों को समर्थन दे रही है? कांग्रेस, एनसी, गठबंधन और पीडीपी के क्या ये छोटे दल और निर्दलीय वोट काटेंगे? साफ है कि बीजेपी की पूरी रणनीति जम्मू क्षेत्र में उसके अच्छे प्रदर्शन पर टिकी है। इसीलिए पार्टी जम्मू की सभी 43 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जम्मू की अधिकतम सीटें जीतने की यहां पर कोशिश में है बीजेपी। आपको बताएं कि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। इसका मतलब यह कि जम्मू से कम बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बाकी सीटों के लिए उसकी कोशिश होगी कश्मीर के छोटे दलों और निर्दलियों को साथ लाने की। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की सीटों पर जो बिसात बिछाई है, उससे लगता है कि चुनाव नतीजों के बाद छोटे दलों के नेता किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। इनमें कुछ नाम प्रमुख हैं। सबसे पहले नाम लिया जा रहा है इंजीनियर रशीद का। इसके साथ ही सज्जाद लोन का भी, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और कई सारे निर्दलीय भी शामिल हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला कश्मीरी आवाम को आगाह कर रहे हैं कि वो प्रॉक्सी दलों और उम्मीदवारों से सचेत रहें। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, इफ्रा जान, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जफर चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शाजिया जी, शुरुआत आपसे ही करूँगा। 28 सीट है कश्मीर घाटी की जहाँ पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो क्या कारण है कि केवल 65 सीटों पर चुनाव लड़ना और 28 सीटें छोड़ देना? क्या इसका मतलब साफ है कि इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों पर नजर है, जैसा कि उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनकी बहुत ही भारी शिकस्त हुई है और इसीलिए घबराकर वो दो जगह से लड़ भी रहे हैं। बाकायदा अपनी टोपी को उतार कर लोगों से भीख मांग रहे हैं अपनी इज्जत की, तो ये उनकी मानसिक जो अवस्था है वो दर्शाता है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्लियर है कि जो अलगाववादी सोच है या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसके साथ वो कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकती। अगर हम लोग 62 सीटों में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कैंडिडेट्स, आपको याद होगा, लोकसभा में नहीं दिए थे, लेकिन अब क्योंकि हमारी एक तरह से हमारा मजबूत हो रहा है कार्डर्स वहाँ पे, और आप देखेंगे कि विधानसभा में भी और कश्मीर में भी हमने कई सारे कैंडिडेट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी गुंजाइश है और हम लोग जीतेंगे घाटी में, हम वहाँ तो लड़ ही रहे हैं। जहाँ तक बात है जम्मू की, जम्मू में बहुत ही शानदार और पुरजोर तरीके से हमारी लड़ाई है और सीधी तरह से वो बाइपोलर है। यहाँ पे क्यों फिक्र हो रही है इन दो दलों को और क्यों उनको फिक्र है इंडिपेंडेंट से ज़्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी का वोट कटेगा तो वो उनका वोट कटेगा, क्योंकि वो सारी सोच एक ही है। तो किसी भी तरह से हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि हमारा गठबंधन ना तो पीडीपी से हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो कोई चांस ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और हम लोग तो खैर अलग अलग हैं ही, तो आप बिल्कुल ये ना समझिए कि हम लोग किसी भी तरह से किसी भी अलगाववादी सोच के इंसान को अपने साथ कभी भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही सामने आएगी, ये आप बहुत जल्दी देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इनफाइटिंग है। और एक तो इंटर पार्टी कश्मीर में और इंट्रा पार्टी जो लेकर आप दिक्कतें देखेंगे, अब साफ जाहिर है कि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का होगा और हम ही सरकार बनाएंगे। इफ्रा जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपने सुना शाजिया इल्मी को, वो कह रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता बीजेपी का इन दलों के साथ जाने का, लेकिन बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिंता क्यों सता रही? क्या कारण ये भी है कि अभी इंजीनियर रशीद ने बड़े अंतर के साथ उमर अब्दुल्ला को हराया, इसलिए आपको लग रहा है कि वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और उनके मजबूत होने से सीधा आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो जब शाजिया इल्मी जी ने बात करना शुरू किया तो वो बहुत खुश हो रही थी कि उमर अब्दुल्ला साहब हार गए, लेकिन वो ये उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब अगर हारे तो बीजेपी के कैंडिडेट से तो नहीं हारे, आप तो नहीं जीते ना।
सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद साहब की जीतने की खुशी पे बीजेपी इतनी खुश क्यों होती है, ये मुझे समझ नहीं आया है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि जनता और आवाम को जरूर समझ आ गया, फिर से बीच में शुरू कर देंगी। नहीं नहीं आप अपनी बात रख लें ठीक है जी। अगर उमर अब्दुल्ला साहब सीट नहीं जीते ठीक है, बीजेपी भी तो सीट नहीं जीती ना, ये इतने खुश क्यों होते हैं इंजीनियर रशीद साहब की सीट जीतने पे, जिनकी आइडियोलॉजी ऑन द फेस ऑफ इट हमारे से भी सेपरेटिस्ट है, ये उनकी जीतने की खुशी पे इतने खुश क्यों होते हैं? शायद हम भी समझते हैं, जब आवाम भी समझती है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या आगे का सिस्टम क्या रहेगा, ये इंडिपेंडेंट से आपको डर क्यों लगता है? देखिए इंडिपेंडेंट से हमें डर नहीं लगता है, बीजेपी को हमसे डर लगता है। यही वजह है जहां उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हो जाते हैं वहां चार चार बारह बारह पचास पचास इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, खुद बीजेपी डर के मारे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाती है। इतना इतनी बड़ी 56 इंच की छाती वाले कैंडिडेट उमर साहब के खिलाफ खड़े नहीं कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो बीजेपी की तरफ से बैक कैसे है, ये बहुत अच्छा आपका। पहली बात तो हम इंडिपेंडेंट जी, माफी चाहूंगा इफ्रा जी, आपकी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। मैं आऊंगा आपके पास। जफर चौधरी साहब आपको लाना चाहूंगा। आपने सुना शाजिया जी को भी, रेफरा जी की बात पूरी तो खैर नहीं हो पाई लेकिन काफ़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर इतनी खुश क्यों होती है अगर इंजीनियर रशीद जीतते हैं, उमर अब्दुल्ला को हराते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो कश्मीर का सियासी इक्वेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी 28 सीटों पर नहीं लड़ना, और ये क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी? क्या उसकी उम्मीद इसी बात पर टिकी है कि जो इंडिपेंडेंट से छोटी पार्टियां जीत करके आएंगी उनके साथ बाद में हाथ मिलाया जाए, और ये कितना नुकसान कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को? देखिए, जो अभी के चुनाव हैं 2024 के चुनाव, ये सीधे प्रकार से एक जो 2019 से पहले की राजनीति और 2019 के जो बाद की राजनीति है उसके बीच एक मुकाबला है। यानी आपके पास दो गुट हैं, दो विचारधारा है, दो पार्टियां, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है और एक बीजेपी। बीजेपी ने किसी के साथ अलायंस अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सिर्फ 62 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना, 28 सीटें छोड़ देना, यानी कि वोट जो है वो डिवाइड ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट डिवाइड हो जाए लेकिन इनके साथियों का या इनफॉर्मल एलिज का वोट जो है वो डिवाइड ना हो। 2014 के जो चुनाव हुए थे और 2008 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, जब किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि बीजेपी भी कभी सत्ता की दावेदार जम्मू कश्मीर में हो सकती है, तब 87 में से 85 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब जब उन्होंने 2019 के बाद वो सारा एक जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हमने नया जम्मू कश्मीर तश्कील किया, नया जम्मू कश्मीर की हमने बुनियाद डाली है, तो आज तो उनको पूरे 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। तो उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो इसी तरह से नजर आ रही है कि जहां पे उनको लगता है कि वो एक अच्छा कॉम्पिटिशन कर सकते हैं वहां पे उनका कैंडिडेट है, और जहां पे वो लगता है कि उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से वोट डिवाइड हो जाएगा वहां पे उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारा, तो वहां पे सीधे सीधे जो फायदा है ये बाकी दल निर्दलीय जो है ये उनको जा सकता है। और ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो है ये कोई अनदेखी बात नहीं है, मरकज में बीजेपी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे जो चुनाव है उसमें दिल्ली की रुचि हमेशा इतनी रहती है कि जब भी चुनाव होता है कि बेशुमार एक जो जरूरत से ज्यादा अनप्रेसिडेंटेडली हाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स, अभी जैसे बहुजन समाज पार्टी है, उनकी कभी कोई जन रैली भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई लेकिन पूरे 90 सीटों के ऊपर इस वक्त वो लड़ रहे हैं। तो इस तरह से करके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कंसोलिडेशन वो अपना समझते हैं, जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, दो दो चार चार सौ छः छः सौ वोट भी अगर करके डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली वो नुकसान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही होता है जी। शाजिया जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। इफ्रा जी ने ये बात पूछी थी, उनका संपर्क टूट गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी इतनी खुश क्यों होती है अगर इंजीनियर राशिद अच्छा प्रदर्शन करें, और इंडिपेंडेंट्स के ऊपर क्यों बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई है? क्या बीजेपी खुद इतनी सक्षम नहीं है जो केंद्र में सरकार चला रही है पिछले 10 साल से कि वो कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सके? आपने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो ये रणनीति है या कमजोरी है? सबसे पहले तो इफ्रा जी के कह देने से बात सच नहीं होती कि कोई खुश हो रहा है या खुश नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी इफ्रा जी की जो ऑनेस्टी है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर रशीद तो हमसे भी ज्यादा अलगाववादी हैं, यानी कि उन्होंने माना कि वो अलगाववादी हैं और एक ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप पर वो इंजीनियर रशीद हैं और कम पर ये हैं। अब सवाल ये होता है कि अब एनसी और कांग्रेस साथ क्यों आएगी? अब कांग्रेस ने क्यों हाथ थामा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का? जाहिर सी बात है कोई कमजोरी तो होगी।
अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार थी और उनको लग रहा था कि वही हकदार हैं और आज थोड़े बहुत अलगाववादी हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं, तो आप बताइए उनको कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है। अब कांग्रेस को, अगर कांग्रेस इतनी श्योर थी कि वो अच्छा करेगी, तो आप बताइए कि उनको जरूरत क्यों पड़ी? अब ये सवाल एक बहुत बड़ा बनता है कि कांग्रेस हर जगह जाके कह रही है कि हमें संविधान में, हम संविधान की प्रतियां लेकर वो डोलते हैं जगह जगह जाकर, आरक्षण की बात अपनी ही दादी को नकार कर और अपने परदादा को नकार कर, अपने पिताजी को नकार कर राहुल गांधी जी बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है कश्मीर की तो संविधान भी भूल जाते हैं, आर्टिकल 370 को हटाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुप्पी हो जाते हैं। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? और ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे आकर जो आरक्षण अब मिल रहा है, जो मुमकिन हो पाया है, चाहे और जो लीगल स्टेटस और इज्जत हमारे वाल्मीकि साथियों को, पहाड़ी साथियों को, गोरखा समाज को, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को दी जा रही है, उसको वो छीनना उनसे फिर से चाह रहे हैं, क्योंकि एनसी तो यही चाहती है। तो मतलब स्ट्रैटेजी किसकी क्या है, ये मैं भी गैस कर सकती हूँ और आप भी गैस कर सकते हैं, लेकिन ये अनुमान लगाना और सोचना कि कोई किस बात से खुश है, कोई किस बात से खुश नहीं है, मैं बताऊँ मैं खुश क्यों हूँ? मैं बताती हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि पहली बार एक अमन बहाली का माहौल है, लोग बाकायदा सामने आकर लड़ रहे हैं, जमहूरियत में अपना यकीन जता रहे हैं, देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और सबको हक है लड़ने का, ये तो सब जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। कि एक चाहे वो डीडीसी का हो या पंचायत के चुनाव हो, जिस तरह का उत्साह हमने देखा है, यानी कि कहीं ना कहीं यकीन, एक विश्वसनीयता हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में वो है, और अपने आप में वो मुझे लगता है बहुत खुशी की बात है। अगर आप दलगत राजनीति से हट जाएं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत विकेट पर है, बहुत नई नई चीजें हुई हैं, कुछ अलग ही सूरत हाल है श्रीनगर का और कश्मीर का, आप जरूर आइएगा अखिलेश जी, बहुत सारे लोग, हम लोग जो कई साल बाद आ रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये वो ही जगह है जी। तो मुझे लगता है इफ्रा जी, बात तो शाजिया जी कह रहे कि माहौल सुधरा है, जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे वो भी लड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी ने पहले कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ रहे हैं, दो दो सीट से लड़ रहे हैं, तो ये तो जमहूरियत में जो विश्वास लोगों का मजबूत हुआ ये दिखाता है। देखिए मुझे नहीं पता शाजिया जी जम्मू और कश्मीर के किस हिस्से में बैठी हैं, लेकिन अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, किश्तवाड़ में एक नया एनकाउंटर शुरू हो गया है, अभी उधमपुर का एनकाउंटर जो है वो कल खत्म हुआ और आज किश्तवाड़ का एनकाउंटर शुरू हुआ है। बहुत शर्म की बात है कि हमारे जो जवान जम्मू और कश्मीर में मर रहे हैं हमारे देश के, ये उनकी मौत पे, उनकी शहादत पे तमाशा किया जा रहा है कि सब ठीक है, जबकि हमें उनकी बात बीजेपी, जो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक पार्टी दिखाती है, ये उनकी बात नहीं करती और कहती है सब ठीक है, किश्तवाड़ की बात ही ना करो। इन्होंने कहा कि सभी को, कैंडिडेट्स को आजादी है और हक है इलेक्शन लड़ने का, बिल्कुल। आज शायद पहली बार है कि शाजिया जी और मैं एक बात पे अग्री करते हैं, हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का हक है, चाहे वो जब तक वो कन्विक्ट ना हुआ हो। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं अमन जी, बीजेपी वही पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ के बच्चों से उनकी नौकरियां छीनती है, अगर उनका दादा, दूर दराज का कोई रिश्तेदार, दूर दराज का कोई हमसाया मिलिटेंट हो, यानी अगर आपका कोई रिलेशन में मिलिटेंट एक्टिविटीज में पाया गया होगा, तो आपका अगर दूर दराज का है या इमीडिएट है, मेरे ख्याल से इमीडिएट अगर कोई होगा तो जी, अगर आपका रिलेटिव, बिल्कुल दिस इज अ पॉलिसी, अगर आपका रिलेटिव कोई होगा, आप यू डोंट हैव टू बी अ मिलिटेंट, आपका कोई रिलेटिव होगा, आप कश्मीर आके सुनिए, अगर आपका कोई रिलेटिव होगा, इनफैक्ट जो यहाँ पे बैठे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ये भी बोल सकते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव होगा आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती। ठीक है शाजिया जी, आपका जवाब देना चाहती है शाजिया जी, आप जवाब दे दीजिए, समय की कमी है शाजिया जी, आप जवाब दे दीजिए, समय, देखिए इफ्रा जी समय की कमी है, उन्हीं के परिवारों को नौकरी मिलती थी और उन्हीं के परिवारों की तवज्जो दी जाती थी, और जहाँ तक बात है एम्प्लॉयमेंट की, तो हर एक बच्चे को 500 रुपए देकर पत्थर को पकड़ा देना, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट हुआ, और पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म है। अब ये जवाब दो बातों को कैसे जोड़ा, मैं बात कुछ और कर रही थी, ये उधमपुर को ले आई जहाँ पे दो मिलिटेंट ढेर हुए, और किश्तवाड़ की बात कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 70% जिस तरह की घटनाएं हुई है वो कम हुई है, यानी कि 70%, ये भी है बहुत डिस्टर्बिंग है, और ये भी खत्म होगा,
लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं और देश के अगर कोई बिल्कुल, फर्क पड़ेगा इसीलिए तो चुनाव भाजपा का ही करेगी। बिल्कुल शाहजहा, इसीलिए चुनाव का काफ़ी महत्व है, सबकी नज़र इसी बात पर लगी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी करें। शुक्रिया आपका शाजिया जी, इफ्रा जी और जफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जम्मू कश्मीर में 25 लाख से ज़्यादा युवा वोटर हैं। इनमें 371,000 ऐसे युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। तमाम सीटों पर ये युवा मतदाता हार जीत में निर्णायक होंगे। क्या हैं इन युवाओं के मुद्दे, वोट डालते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसे लेकर हमारे सहयोगी मारिया शकील ने कुछ युवाओं से बात की, आइए देखते हैं। वजीर और हम अब यहाँ पर एक नए लोगों के साथ हैं जो टीचर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं। और अहमियत इनकी ये भी है नज़ीर कि इनका वोट जो अंडर 29 है कश्मीर में, उनका वोट परसेंटेज वो कितने कितना परसेंटेज है? 30%। सो अंडर 29 ईयर्स जो डेमोग्राफिक है, 29 साल से कम उम्र वाले 30% लोग हैं जो वोट करेंगे। तो इसीलिए मतलब ये हुआ कि जो 30% वोटर है यानी 25 लाख वोटर, ये पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा था। अनिका, जिंदगी में पहली बार आप वोट कर रही हैं इस बार? जी, पहली बार वोट कर रही हूँ। तो आपके लिए एज अ फर्स्ट टाइम वोटर सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या होगा? देखिए, मैं कश्मीर की यूथ हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरे लिए ये गुंजाइश रहनी चाहिए, जब फेलो यूथ मुझे देखेंगे तो वो मुझसे सवाल करेंगे, आप नेशनल मीडिया पर गई थी क्या, आपने हमारे बारे में बात की? तो मैं अपने फेलो यूथ के लिए बात करना चाहती हूँ। दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी है। किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम्स हुए, मोस्ट ऑफ द यूथ जो है जो कम्प्लीटली उन्हीं पर डिपेंड है, जिनके घर में सिर्फ वो एक अकेले इंसान है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और अपने घर को सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी लड़की है जो जिसके घर का भार और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके कंधों पर है, वो भी एक एस्पिरेंट है। तो उनके साथ जब कोई स्कैम होता है या डिले होता है JKSSB के एग्ज़ाम्स में, या एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और फिर स्कैम करती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, इन्होंने जॉब्स की बात की, मैं करूँगा सिक्योरिटी की बात की। मैं सिक्योरिटी की बात करूँगा, मैं कहूँगा कि वैन हमारी जान महफूज है तभी जॉब्स भी होंगे, तभी हमारी जो आप डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 decades वी हैव सीन कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीज़ें हम आज बात करते हैं, जिस चीज़ों पे आज हम आज बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हमें 30 साल पहले बात करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से और आज हम ये 24 ईयर्स लेटर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आज बात करते हैं कि जनाब हमारे जो मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके मैनिफेस्टो में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने देखी भी है, बट एग्जीक्यूट जब वक्त आता है एग्जीक्यूट करने का, तब मुझे लगा कि दैट जो उनका जो वादे थे वो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट करने में वो खोखले निकले हैं। जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप वादा करें घोषणा पत्र में, उससे पूरा करें तो आपको दोबारा लोग वोट देते हैं। एब्सोल्युटली, नहीं करें तो 5 साल बाद छुट्टी। एग्जैक्टली, तो इसलिए इतबार करें जिस पे हम वोट डालें। तो क्या कहते हैं, जो भी वादे किए हैं घोषणा पत्र में पार्टियों ने, क्या आपको लग रहा है किस घोषणा पत्र से आप खुश है, कौन सी अच्छी बात है जो आपको लग रही है? ठीक सर, पहली बात तो ये कि जो आप, मैं आपको एग्री करता हूँ कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे यहाँ पे, लोगों ने दिखाया कि जो फॉर्मर टू टाइम्स चीफ मिनिस्टर्स थे, एक हमारी महबूबा मुफ्ती जी, दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनको लोगों ने दिखाया कि जनाब आपके जो वादे थे वो खोखले निकले, एंड अब हम आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दैट लोगों को भी एक अवेयरनेस हुई है, लोगों को भी ये समझ है कि जनाब जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे।